सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज हमारा गुजरात में दूसरा दिन है और दूसरा दिन में हम जा रहे हैं यहाँ का, उसे क्या बोलते हैं, गुरुकुल। गुरुकुल जाना है, तो गुरुकुल जाने के लिए अभी हम निकल चुके हैं और हम ऑटो रिक्शा में भी बैठ चुके हैं। ऑटो रिक्शा में बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ का ऑटो रिक्शा बहुत ही फास्ट चलता है, ठीक है। और अभी हम लगभग पहुँच ही चुके हैं, ठीक है। तो ये गुरुकुल में हम एंटर हो चुके हैं, बट अभी गुरुकुल के बाहर हैं, ये देखिए। सो अभी यहाँ से स्टार्टिंग हो चुका है मंदिर एंटर होने का, और अभी हम मंदिर एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ एंट्री फीस तो नहीं लगता है, बट एक टिकट शायद से लगेगा अंदर जाके। ये एक छोटा सा मंदिर है जो कि भगवान जी का मंदिर, श्री गणपति जी का मंदिर है। और इधर श्री शिव पार्वती जी का मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपको पता है कि हम ये एक गुजरात सूरत का गुरुकुल है, और हम गुजरात सूरत का गुरुकुल आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बता दें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अगर आप कभी सूरत आए तो ये गुरुकुल ज़रूर आइएगा घूमने के लिए। गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम गुजरात सूरत के गुरुकुल में, जो कि ये है, अभी आपको पूरा दिखाएंगे, बस आप लोग में एंड तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं बैक कैमरा में। तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये स्विमिंग पूल टाइप में है कुछ, इसका आवाज़ जो की है ना, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पानी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा साफ है। सब बने पर टेंशन मत ले। ये अभी मम्मी लोग वाटर पार्क टाइप में है कुछ, वो फोटो खिंचवाने। ये देखिए, वहाँ सांप पकड़ा हुआ है, सांप। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज पूरा ब्लॉग में, आपको बने रहना है। तो अभी हम जाने लगे हैं और आगे, तो चलते हैं।
अभी जा रहे हैं आगे, और यहाँ ये बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कौन है, बट नहा रहे हैं पूरा का पूरा ये। और एक मंदिर आ चुका है, यहाँ पानी गिरता है ऊपर से। गाइस ये पहले आप ये देखिए कितना अच्छा है, गाइस कितना अच्छा। आप अगर कभी सूरत आओ तो ये गुरुकुल में ज़रूर आना, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम अभी हैं यहाँ पे, इसके बैकग्राउंड में ये देखिए, यहाँ महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप जी पता नहीं क्या यहाँ बैठे बैठे करते हैं, और ये कांच के अंदर है, ये देखिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। चलिए इनसे पूछते हैं कौन है, को भाई साहब आप कौन है, अरे बताओ ना यार, कोई नहीं बता रहा। इनसे नहीं पूछेंगे क्योंकि ये घंटा लेके खड़ा है ना, इसलिए। ये बहुत ही ऊंचा मंदिर है, ये मम्मी लोग फोटो खिंचवा रही है। वे चलते हैं इस बड़े वाले मंदिर के अंदर, चलिए चलते हैं। इतना बड़ा गजानंद, इधर बहुत ही बड़ा बड़ा मंदिर है, बोले गजानंद कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है। तो फाइनली अभी हम मंदिर के बाहर निकल चुके हैं, और मंदिर के बाहर कुछ इस प्रकार का नज़ारा है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप कभी अगर सूरत आइएगा ना तो गुरुकुल तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि गुरुकुल में जो क्या ही बता दें, इतना मस्त चीज़ है ना गुरुकुल में, इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मंदिर है ना। चलिए फिर से बुलावा आया है कि मंदिर के अंदर चलो, तो चलते हैं अभी।
सो गाइज, अभी हमारा अंदर जाने का टिकट बुकिंग हो चुका है और अभी अंदर जाने वाले हैं हम, तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ से जाना है हमें अंदर, यहाँ से आखिर और दूसरे जगह से जाना है।
Thank you.